हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जॉब वैकेंसी के बारे में जिसके लिए देर आर मोर देन 300 वैकेंसीज। कुछ 11-12 कंपनीज हैं जो इसके लिए हायर कर रही हैं कैंडिडेट्स, और बहुत ही जो टॉप नॉच कंपनी है जैसे अपट्रैड, अर्बन कंपनी, वेब इंगेज, ये सब कंपनीज हायर कर रही हैं। इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनको मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी 0 to 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल से ज़्यादा जिनको वर्किंग एक्सपीरियंस है, ये जॉब उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए जॉब है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एज ब्रैकेट में आते हैं, यानी बेसिकली आपके सिर्फ 18+ एज होनी चाहिए, फिर आपकी जो भी एज हो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी ग्रेजुएट्स हैं या जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं, वो भी इनफैक्ट इसके लिए एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कंप्लीट किया है, या अभी अगर आप परस्यू कर रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा, एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर दिस एज वेल। इसलिए आपको अप्लाई घर पे बैठ के करना है, आपको इंटरव्यू देने के लिए कहीं जाना नहीं है, आपका इंटरव्यू इसमें ऑनलाइन होगा। ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है, ये टूर्नामेंट के फॉर्म में होगा जो कि रेलेवेल कंडक्ट करा रहा है। रेलेवेल अन अकेडमी का लॉन्च किया हुआ एक प्लेटफॉर्म है, जो अन अकेडमी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है ये। एंड आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी, जो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाई थी, एंड देयर वर सम कॉमेंट्स दैट इज दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी। तो ये वीडियो भी और पिछली वीडियो भी, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी। द रीजन वाई एम टेकिंग द नेम ऑफ अन अकेडमी इज क्योंकि अन अकेडमी एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है, एंड आप अगर किसी भी रैंडम प्लेटफॉर्म का नाम सुनेंगे देन यू मे नॉट बिलीव इट, बट सिंस अन अकेडमी हैज़ बीन देयर इन मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म, तो यू आर मोर लाइकली टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, कोई भी एक रैंडम जगह या एक रैंडम प्लेटफॉर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसको अन अकेडमी ने ही लॉन्च किया। अन अकेडमी मोस्टली कोर्सेज के लिए होता है, बट दिस वन इज अ हायरिंग प्लेटफॉर्म। सो ये इंडिया का पहला एक हायरिंग टूर्नामेंट कंडक्ट करा रहा है, जिसमें देर आर 3 कैटेगरीज, देर इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैटेगरी, बैक एंड डेवलपमेंट कैटेगरी एंड बिजनेस डेवलपमेंट कैटेगरी। फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए आपको कुछ इन्होंने स्पेशल स्किल्स मांगे हैं जो आने चाहिए। फ्रंट एंड के लिए आपको HTML, CSS, API, Java, ये सब कुछ आना चाहिए। बैक एंड के लिए आपको SQL, सिस्टम डिज़ाइन एंड Java आना चाहिए। नाउ जो बिजनेस डेवलपमेंट वाली कैटेगरी है, इसके लिए कोई स्पेशल स्किल आने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो बिजनेस डेवलपमेंट वाली कैटेगरी है, जिसके लिए एनी पर्सन इज एलिजिबल, बिकॉज बाकी कैटेगरीज के लिए भी इनफैक्ट एवरीवन इज एलिजिबल, बट यू शुड नो दीज स्किल्स जिनके मैंने आपको नाम बताए। बट बैक एंड डेवलपमेंट में ऐसी कोई स्पेशल स्किल नहीं मांगी है, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी सेम इसी टॉपिक पे, उसमें जो ज़्यादातर कमेंट्स थे ये बिजनेस डेवलपमेंट टूर्नामेंट के ऊपर थे, दैट दे द व्यूअर्स वांटेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो रेलेवेंट जो 3 हायरिंग टूर्नामेंट्स कंडक्ट करा रहा है, उसमें से हम सिर्फ बिजनेस डेवलपमेंट वाले के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, इसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 18+ एनी एज विल डू, एंड आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ फ्री ऑफ कॉस्ट टूर्नामेंट, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके चार्जेस हैं जो हैं ₹1799। पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और डिटेल्स बताने से पहले ही मैं ये पॉइंट बता देना चाहती थी, इसका एक्चुअल प्राइस इज ₹1999, बट जब आप इसमें एनरोल कर रहे होते हैं तो एक कूपन कोड डालने का ऑप्शन आता है, जिसमें अगर आपको कोई भी रैंडम कूपन कोड पता है जिससे आपको ऑफ मिलता है, तो आप कोई भी कोड डाल सकते हैं, बट देर इज दिस वन कूपन दैट आई नो विच इज़ Job10 विच विल गिव यू 10% ऑफ, और इससे जो कॉस्टिंग है वो 1799 हो जाएगी सभी कैंडिडेट्स के लिए। नाउ ये जो फीस है, दिस इज़ लाइक एन एग्जाम फीस, जैसे आप SBI का फॉर्म भरते हैं, आप उसके लिए एग्जाम देते हैं, ये उसी तरह की फीस है। फर्स्ट थिंग, कोई भी कंपनी आपको चार्ज नहीं कर रही है, जो कंपनीज यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रही हैं वो आपको चार्ज नहीं कर रही हैं, ये चार्ज जो है आपको रेलेवल प्लेटफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे आप एक साथ मल्टीपल कंपनीज में जॉब ढूंढ सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, बी वेरी क्लियर ऑन दिस दैट द कंपनीज आर नॉट चार्जिंग यू। सेकेंड, पेइंग दिस फीस डज नॉट मीन जॉब गारंटी, बिकॉज इट्स लाइक क्या आपको अपीयर होने को मिलेगा, इट्स लाइक एन एग्जाम फीस। सो ना इसमें आपको जॉब गारंटी वाली चीज़ है, ये पॉइंट भी आपको बहुत पहले से क्लियर होना चाहिए। सेकेंड, ये कंपनीज आपको नहीं चार्ज करेंगे, आपको जो टूर्नामेंट कंडक्ट कराने का कॉस्ट है वो कंपनीज आपसे लेना चाह रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ देयर। नाउ जो कंपनीज रेलेवल के थ्रू हायर कर रही हैं कैंडिडेट्स को, आपके सामने स्क्रीन पे हैं, दीज आर प्रोकॉल, वेब इंगेज, विंगीफाई, लीड स्क्वाड, यूबिलो, वेदांतु,
जूपरली, और इसमें आप पैकेजेस भी इसके देख सकते हैं कि हर कंपनी कितने कितने पैकेज पे हायर कर रही है. सो 3 to 6 lakh पर एनम से लेकर के आप इट विल गो अप टू 20 lakh पर एनम तक मान के चल सकते हैं कि एवरेज जो इसमें आ रहा है कुछ 12-13 lakh पर एनम का पैकेज इसमें जाएगा. अब हम टाइमलाइंस की बात करते हैं. सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन 22 जून को क्लोज हो जाएंगे. अगर आप ये किसी के साथ शेयर करने वाले हैं इस टूर्नामेंट के बारे में तो प्लीज़ उससे पहले ही शेयर कर दें. 26 और 27 जून को आपका प्री होगा. प्री का जब रिजल्ट आएगा जो कैंडिडेट्स उसको क्लियर करेंगे उनका 29th जून से लेकर के 4th जुलाई तक मेंस या एडवांस्ड होगा. जो कैंडिडेट्स उसको भी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद 6th जुलाई को उनका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा एंड 7th जुलाई ऑनवर्ड्स उनके इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे. इसमें आपके प्री में 3 challenges और एडवांस्ड में 2 challenges रहेंगे. प्री में जो 3 challenges हैं वो है एप्टीट्यूड चैलेंज, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज एंड पिच परफेक्ट चैलेंज. और एडवांस्ड या मेंस में जो है वो फर्स्ट है बीट द मास्टर चैलेंज एंड सेकंड है कस्टमर एम्पैथी चैलेंज. सभी चैलेंजेस कितने देर के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, क्या सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे, आपको उसमें करना क्या है, ये सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF के फॉर्म में फाइल बना के वहाँ आपके साथ शेयर कर दूंगी. बट मैं यहाँ पे खुद अपनी तरफ से अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं जो टोटल 5 stages हैं इसके, जो 5 challenges हैं जिसमें से 3 प्री में और 2 मेंस में है, उनके बारे में यहाँ पे बात करना चाहूँगा. एप्टीट्यूड चैलेंज आपका 150 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा. एप्टीट्यूड चैलेंज में 60 MCQs आएंगे और जनरल एप्टीट्यूड एंड सेल्स एप्टीट्यूड से ये क्वेश्चंस होंगे. जनरल एप्टीट्यूड आपका 60 मार्क्स का एंड सेल्स एप्टीट्यूड आपका 90 मार्क्स का आएगा, यानी सेल्स एप्टीट्यूड आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका 2 घंटे का ये चैलेंज होगा. ये चैलेंज कम्प्लीट होने के बाद आपको कुछ ब्रेक मिलेगा और आपका जो सेकेंड चैलेंज है, जो प्री का सेकेंड चैलेंज है, सेम डे स्टार्ट हो जाएगा. सेकेंड चैलेंज इज प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज जो 40 मिनट्स का है, 150 मार्क्स का है. इस चैलेंज में हम देखें तो 100 मार्क्स का आपका वीडियो रिस्पॉन्स होगा, 50 मार्क्स का आपका ईमेल रिस्पॉन्स होगा. तो देखिए इसमें आपको 7 sales scenarios दिए जाएंगे. आपको आपके सामने एक कंडीशन पुटअप की जाएगी जिसमें से 5 का आपको रिप्लाई करना है. आपको 5 challenge स्पेशली मिलेंगे जो आपको वीडियो के फॉर्म में रिस्पॉन्स जिसका सबमिट करना है. 2 ऐसे challenges मिलेंगे जिसका ईमेल के फॉर्म में आपको रिप्लाई पुट करना है. तो मैं आपको अगर सिंपली समझाऊं कैसे, तो आपको एक प्रॉब्लम सेल्स प्रॉब्लम बना के दे दी जिसका आपको अपने सामने कैमरा रख के एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप इसमें अपने स्टेप्स लेंगे या क्या एक्सप्लेन करेंगे, वो वीडियो सबमिट करनी है. इस तरह वाले 5 challenges होंगे और ईमेल वाले 2 challenges होंगे इसमें, जिसमें आपको ईमेल के फॉर्म में इसका रिप्लाई करना है. थर्ड एंड प्री वाले में आपका लास्ट चैलेंज है पिच परफेक्ट चैलेंज जो 45 मिनट्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा. इसमें आपको क्या करना है, अपनी एक सेल्स पिच प्रिपेयर करनी है. आपको कोई भी एक प्रोडक्ट दे दिया जाएगा या कोई भी एक क्लाइंट दे दिया जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट या क्लाइंट के लिए आपको एक सेल्स पिच प्रिपेयर करनी है कि आप इसको कैसे सेल करेंगे. इसका जो रिस्पॉन्स है ये आपको वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड करके सबमिट करना है. अगेन ये पूरा चैलेंज जो है 200 मार्क्स का होगा. ये तीनों चैलेंजेस आपके एक ही दिन में हो जाएंगे थोड़े थोड़े ब्रेक के बाद, और आप एक ही दिन में फ्री हो जाएंगे जिसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा बिफोर 29th जून. और जो टॉप 25% कैंडिडेट्स होंगे, जिन्होंने टॉप 25% जो जिन कैंडिडेट्स ने टॉप स्कोर किया होगा उसमें जो टॉप 25% कैंडिडेट्स हैं, दे विल गेट टू गो इन एडवांस्ड और मेन स्टेज. एडवांस्ड या मेन स्टेज में पहला चैलेंज होगा बीट द मास्टर्स चैलेंज जो 45 मिनट्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा. ये एक लाइव इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी एबिलिटी चेक की जाएगी टू पिच, नेगोशिएट एंड सेल समथिंग टू अ मास्टर कंज्यूमर और एन एक्सपीरियंस सेल्स एग्जीक्यूटिव. यानी बेसिकली आप किसी प्रोडक्ट को पहले कैसे पिच कर सकते हैं, देन आप कैसे उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, फाइनली आप उसको कैसे सेल कर सकते हैं, ये आपका एक वीडियो इंटरव्यू होगा जो 45 मिनट्स का इंटरव्यू होगा. उसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें से जो मेन जिस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे वो यही होगा. सेकंड आपका जो कस्टमर एम्पैथी चैलेंज होगा ये 45 मिनट्स का होगा, 250 मार्क्स का होगा, और इसमें भी एक लाइव इंटरव्यू होगा. इसमें एक सीनियर सेल्स लीडर कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करेगा टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स. जैसे कि आपको कस्टमर एम्पैथी चैलेंज नाम से समझ में आ रहा होगा कि आप कस्टमर के साथ कितने अच्छे से रिलेट कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कितना आप उनको अश्योर कर सकते हैं. सो दैट विल बी द कस्टमर एम्पैथी चैलेंज. ये भी एक इंटरव्यू के फॉर्म में होगा. यानी इन दोनों ही चैलेंजेस में, मेन्स एडवांस्ड के दोनों चैलेंजेस में आपको कोई वीडियो
फॉर्म में रिस्पॉन्स सबमिट नहीं करना है, सामने आपके लाइव इंटरव्यू होगा। देन 6 जुलाई को इसका रिजल्ट आ जाएगा एंड 7 जुलाई ऑनवर्ड्स जो कंपनीज हैं उनको आपके मार्क्स सबमिट कर दिए जाएंगे। फिर कंपनीज आपको पर्सनली इंटरव्यू के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका पर्सनल नॉर्मल सा एक इंटरव्यू होगा एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ देम विल गेट सिलेक्टेड। इसकी प्रिपरेशन के लिए वैसे तो कुछ आपको एज सच बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ऑन द स्पॉट होने वाली हैं, लेकिन प्री में जो MCQs आएंगे उसमें और कुछ एक चैलेंजेस में जो भी स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड हो सकता है वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। कुछ बुक्स जो आपको क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे स्पॉन्टेनियस होंगी, बहुत सारे आंसर्स हैं या बहुत सारे रिस्पॉन्स हैं जो स्पॉन्टेनियस होंगे कि आप किसी पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स, कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न एंड क्या सब कुछ होगा। तो ये सब इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। नाउ दिस इज अपॉन यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो अहेड विद दिस वन और नॉट। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रोज एंड कॉन्स नहीं बता रही हूँ, यू आर द वन टू डिसाइड। अगर आपको लगता है कि एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इतनी सारी कंपनीज एक साथ हायर कर रही हैं, देन यू डेफिनेटली कैन गो अहेड विद दिस। अगर आपको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, देन यू मे डिसाइड वेदर टू गो अहेड और नॉट। बट द रीज़न वाई देर आर सो मेनी स्टेजेस इज बिकॉज कंपनीज यहाँ पे बहुत अच्छा पे कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो है आपका 4 to 6 lakh पर एनम वाला पैकेज है, मैक्सिमम अप टू 20 lakhs पर एनम वाला पैकेज है। सो दैट इज़ वाई एवरी थिंग इज़ देयर। इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कॉमेंट्स में। अगर आप और कोई डिटेल जानना चाहते हैं जो इस वीडियो में बताई पर आपको नहीं समझ में आई, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है जो 22 जून को बंद हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका PDF लिंक भी है जिसमें आप सेम चीज़ को एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, एंड जो कुछ हेल्पफुल बुक्स हो सकती हैं या जो स्टडी मटेरियल हो सकता है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।